नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा। क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? इस मुद्दे को लेकर देश में कई बहस छिड़ गई है। पूरी पीठ से जुड़े स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने तो भविष्यवाणी की है कि भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। उनका तो यहां तक कहना है कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने के बाद 15 अन्य देश भी हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे। इसी विषय को लेकर आज हम आचार्य अनुज जैन जी से बात करेंगे कि क्या ये संभव हो पाएगा या होगा। तो ज्योतिष आचार्य अनुज जैन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सर, आपको क्या लगता है कि पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी ने जो कहा है कि भारत जल्दी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, इस बारे में आप क्या कहते हैं? ज्योतिष में इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हम जो बात करने वाले हैं, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा, पहले तो इन दोनों चीज़ों के डिफरेंसेस हमें समझने चाहिए। अगर हम एक सॉवरेन कंट्री को, डेमोक्रेटिक कंट्री को रिलीजियन के साथ जोड़कर उसको रिलीजियस कंट्री बनाने की बात कर रहे हैं तो ऐसा शायद संभव नहीं है। लेकिन अगर हम हिंदू बट डोमिनेटेड यानी कि सनातन पक्ष की डोमिनेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा संभव हो सकता है। और इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब भी आउटर प्लैनेट्स, जो बड़े प्लैनेट्स हैं जैसे यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये जब भी आउटर प्लैनेट्स 2 साल के अंतर्गत में जब भी बदले हैं इतिहास में, ये हमेशा से अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन सत्ता में, बड़ा परिवर्तन राष्ट्रों में लेकर आए हैं। मैं आपको कुछ डाटा बताता हूँ। जैसे 1710 से 1712 के आसपास ये चेंज आई थी, उस समय के ऊपर जो तत्कालीन हमारे मुग़ल एम्पायर थे, बहादुर शाह जफर, उनकी डेथ हो गई और मुग़ल एम्पायर लगभग एक एंड की तरफ आ गया। तो जब भी ज्योतिष अनुसार जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं जैसे यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है, ये जब भी 2-3 साल के अंतराल के अंदर अगर मेजर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो इतिहास ने हमेशा उनको सत्ता परिवर्तनों के तौर पर देखा है। ये केवल हमारे देश में नहीं, विदेश में भी, यूरोप में भी हमेशा हुआ है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करते हैं 1710, 1712, ये वो समय था जिस समय कि बहादुर शाह जफर यहाँ पर सत्ता नशीन थे और उनकी डेथ हो गई थी। और हमने देखा वहीं से ही मुग़ल एम्पायर अपने आप के अंदर पूरी चेंज हो गई और वो लगभग एंड ऑफ दी मुग़ल एम्पायर हमारे पास काउंट होता है। इसके बाद लगभग 1723, 1724 का टाइम था जिस समय के ऊपर हैदराबाद के निज़ाम को फर्स्ट वायसराय बनाया गया और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करा और वो पूरी की पूरी दक्कन के अंदर उनका साम्राज्य स्थापित हुआ। फिर 1723 या 1724 के बाद 1736, 1738 का समय था जब नादिर शाह ने इंडिया के ऊपर, नॉर्दर्न साइड के ऊपर हमला किया और नॉर्दर्न साइड के ऊपर उसने कब्जा किया। और अब यही कुछ घटनाएं 2023, 2026 में हो रही हैं जिस समय के ऊपर ये आउटर पूरा का पूरा यूनिवर्स विद इन ए स्पैन ऑफ 2 ईयर्स चेंज हो रहा है। तो जैसे ये चेंजिंग आएगी, एक चीज़ तो बिल्कुल पक्की है कि भारत की या हिंदुस्तान की जो आज तक की सॉवरेनिटी है वो तो कायम रहेगी, लेकिन हमारे पास एक सनातन परंपरा होने की बहुत बड़ी गुंजाइशें हैं, बहुत बड़ी एक यूनिवर्स की पोजीशनिंग है। और डेफिनेटली 2024 में जिस समय के ऊपर नया इलेक्शन होगा, उस समय की जो गवर्नमेंट आएगी वो निश्चित ही उस पद्धति के अंदर हिंदू को, हिंदू राष्ट्र को, भारत को उस समान तौर के ऊपर लेकर जाएगी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब केवल हिंदू नहीं, एक सनातन परंपरा है। तो वह परंपरा स्थापित होने के लिए, इतना बड़ा रेनेसांस मूवमेंट आने के लिए हम डाउन द लाइन 3 ईयर्स का गैप देखते हैं। उसके दौरान धर्म संसद में यह पेश हो पाएगा? टाइम लाइन के हिसाब से इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसमें एक पड़ाव आपको 2023 में भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे 25 मार्च को प्लूटो एक्वेरियस के अंदर इंग्रेशन हो रही है, उसके बाद ये दोबारा इंग्रेशन जनवरी 2024 में होगी और उसके बाद दोबारा इंग्रेशन नवंबर 2024 में।
तो यहाँ से लेकर और नवंबर तक का जो टाइम होगा, चूंकि प्लूटो जो कि एक मेजर परिवर्तन रिबर्दिंग का स्टार है, आक्रमण का स्टार है, ये बार बार चेंज करेगा, रेट्रोगेट होगा, तो इस चीज़ की तो संभावनाएं हैं कि हाँ अब हलचल शुरू ज़रूर होगी। दूसरी बात, इसकी दूसरी टाइमलाइन में इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन आएगी जब 31 मार्च को 2025 के अंदर नेपच्यून इंग्रेस करेगा एरीज साइन के अंदर, और फिर जुलाई 2025 में यूरेनस जिस समय के ऊपर मिथुन राशि में जाएगा। तो ये जो टाइमलाइन है, ये चाहे मसौदा इस समय के ऊपर पेश होता है, चाहे ये इसकी ग्राउंडिंग बननी शुरू होती है, नेचुरली दिस प्रोसेस विल टेक 2-3 ईयर्स टाइम, और डाउन द लाइन 2-3 ईयर्स हम देखेंगे कि ये होना शुरू हो गया है। चलिए अगले बात करते हैं, भारत अगर हिंदू राष्ट्र बना तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम और जो ईसाई समुदाय है इनके अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं। भारत की जो संविधान की संरचना, भारत की आज़ादी की जो जन्म कुंडली है, वो इस प्रकार के किसी परिवर्तन के बारे में नहीं कह रही है कि वहाँ पर किसी एक विशेष समुदाय अगर अपने को जनमत से ऊपर उठाता है या बराबर लाता है तो दूसरा कोई समुदाय उससे नीचे चला जाता है। 9th हाउस, जैसा कि हमने देखा था कि भारत की जन्म पत्रिका में शनि की रिप्रेजेंटेशन करता है, और 9th हाउस जो कि वहाँ का एक बिलीफ होता है, और सैटर्न जनमानस का कारक है, और वह जनमानस के कारक के साथ के अंदर हमने देखा था कि 3rd हाउस के अंदर बुध भी, सूर्य भी, वीनस भी, मून भी, मल्टीपल एक इफेक्ट है। सो ये भारत जो देश है, ये सदा से आज़ादी के बाद से अगर हम खास तौर पे बात करें तो ये मल्टीपल बिलीव्स, मल्टीपल स्टेटस, मल्टीपल डेमोक्रेटिक मूव्स, अमीरी गरीबी, सामूहिक रूप से संप्रदायों को रहने के लिए बात करता है। और इसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सैटर्न जो कि कानून या जो कि लॉ या जो टाइम फैक्टर है, चूँकि वो अपने आप में वहाँ पर मौजूद है, ये नहीं होता। एक इम्पॉर्टेंट बात भी है, प्लूटो भी यहाँ पर 3rd हाउस के अंदर मौजूद है, और ऑलरेडी हमने देखा कि जिस तरीके से भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पे इसकी जो बेसिस रही वो संप्रदाय के बेसिस पे रही। इसकी आज़ादी के अंदर एक वर्ग पाकिस्तान बना, एक वर्ग हिंदुस्तान बना, और मैं आपसे अभी यही चर्चा कर रहा था कि ये जो धार्मिक पैटर्न्स हैं, ये धार्मिक पैटर्न के अंदर चूँकि प्लूटो इतनी मेजरली तरीके से चेंजेस के लिए तैयार हो रहा है, तो ये हो सकता है ये रिबर्दिंग के पैटर्न्स बने। रिबर्दिंग का पैटर्न मतलब होता है पुनः स्थापना। पुनः स्थापना का कहीं भी ऐसा कोई मतलब नहीं होता जहाँ पे कि किसी दूसरे मत को ख़त्म कर दिया जाए, उसको डेड एंड पे ला दिया जाए। पुनर्स्थापना की हम बात बहुत प्रोमिनेंट कर सकते हैं, हिंदुत्व की कर सकते हैं, हिंदू राष्ट्र की कर सकते हैं, सनातन की कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये किसी भी धर्म विशेष कंट्री बन जाएगी, जैसे अरब कंट्रीज़ हैं या जैसे दूसरी कंट्रीज़ है जहाँ पे सिर्फ वही रिलीजन चलता है। रिलीजन हमारा वही सामूहिक रहेगा, सनातन ही रहेगा, लेकिन हाँ इक्वलाइजेशन इफेक्ट्स जरूर आएंगे। प्लूटो के आने से चेंजेस, यस दे आर डेफिनेट, दे आर वेरी मच डेफिनेटेड। आगे बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनने पर हमारे जो लोकतांत्रिक ढांचे पर क्या असर पड़ेगा, और साथ ही हम फेडरल स्टेट बने रहेंगे क्या? निश्चित ही हिंदू राष्ट्र हो या कोई भी राष्ट्र हो, हमारी फेडरल स्थिति सैटर्न के कारण बिल्कुल वही रहने वाली है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यहाँ सिर्फ एक वर्ग विशेष को दिए जाने वाले जो आरक्षण या उनको प्रोटेक्शंस दिए जा रहे थे, अब उस चीज़ की समीक्षा होगी कि उस वर्ग विशेष को कितना चाहिए। क्या हम उनको आज़ादी के बाद से यहाँ तक लाकर एक विशेष सुविधाएं देके उनको उस लेवल पर ला चुके हैं या नहीं, उनको इक्वलाइजिंग इफेक्ट को लाया जाए, कुरीतियों को दूर किया जाए, और राष्ट्र की, पूरे राष्ट्र की एक आवाज़ बने, ऐसा होगा। चलिए आगे बात करते हैं, ये बताइए कि क्या मुस्लिम और जो अन्य समुदाय के लोग हैं समान दर्जे के नागरिक अधिकार, मतलब उन्हें मिल पाएंगे, या फिर पाकिस्तान की तरह ही दूसरे समुदाय के अधिकारों में कहीं ना कहीं कटौती होती जाएगी? वेरी मच, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की प्रोटेक्शन करता है, और जो भारत की 15 अगस्त की आज़ाद कुंडली है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज कोई नहीं हो रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं है। पब्लिक की मांग या रिवोल्यूशन या उस सत्ता को नियंत्रित करने के जो तरीके हैं, सिर्फ उनके अंदर बदलाव आ रहा है। तो ये जनमानस को किसी को कुचलने की कोई योजना नहीं है,
भारत रिलीजियस स्टेट नहीं बनने वाला है, हिंदुत्व बनने वाला है, सनातन बनने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं, भारत अगर हिंदू राष्ट्र बना तो अरब देशों की क्या प्रतिक्रिया होगी और साथ ही क्या उनका सहयोग भारत को फिर भी मिलता रहेगा क्या? देखिए, ये क्वेश्चन अगर रिलीजियस बेस्ड है कि क्या हम रिलीजन कन्वर्जन से किसी विशेष समुदाय को या देश को आकर्षित कर सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा हमने 370 की एबोल्यूशन करी। 370 के बाद हमारे पास एक समान महिला विवाह कानून के बारे में कुछ बातें हुई, ट्रिपल तलाक के बारे में बात हुई, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात होनी शुरू हो गई है। तो इन सब के बाद भी जो देश का सर्वहित है, सर्वहित वहीं का वहीं रहा है, रादर इन चीज़ों की वजह से उस विशेष समुदाय को भी सुविधाओं में, उनके अधिकारों में और बढ़ोतरी हुई है, और हमारे जो अरब देशों के साथ संबंध थे वो और अच्छे हुए हैं, और अरब देशों ने भी अपनी प्राथमिकता को धर्म की जगह आर्थिक माना है, और अभी पाकिस्तान के जिस तरह से हालात ख़राब हुए हैं उनमें से कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया, जबकि वो एक विशेष समुदाय से दोनों संबंध रखते हैं। तो हमें भी ये बात बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर समझनी चाहिए कि हमारे जियोपॉलिटिकल रीजंस अलग हैं, हमारे इकोनॉमिकल रीजंस अलग हैं और हमारे रिलीजियस रीजंस अलग हैं। तो उससे मुझे नहीं लगता कि हमारे हॉरोस्कोप पे या भारत के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। जी चलिए आगे बात करते हैं कि पिछले दिनों, जैसा कि आप जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुलकर कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, और क्या फिर भाजपा इस दिशा में भी आगे बढ़ पाएगी? जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि हिंदू राष्ट्र के मतलब अगर आप गलत तरीके से समझेंगे, अगर आप ऐसा समझेंगे कि इसको रिलीजियस कंट्री बनाया जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर इसको हिंदू, जो कि सनातन, जो कि एक सामंजस्य की विचारधारा है, अगर उससे निर्माण हो रहा है तो ये बिल्कुल ठीक है। तो शायद गृह मंत्री जी का जो वक्तव्य रहा होगा वो उसी के कॉन्टेक्स्ट में रहा होगा। हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम लोग कोई रिलीजियस कंट्री नहीं है, और शुरू से हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक ढांचा एक बहुत ही मजबूत कानून के ऊपर बेस्ड रहा है, जिस कानून के अंदर सर्व को सार्वभौमिक सर्वाधिकार हैं, तो वो ऐसे ही रहने वाले हैं। बल्कि इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि वो क्लासेस या वो मुद्दे जो कि अब तक आज़ादी के 70-80 सालों के बाद भी हमारी निगाह में नहीं आए थे, वो सामने आएंगे और हम उस क्लास के लिए काम कर पाएंगे। सो हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान, हिंदुत्व, ये रिलीजियन बेस्ड नहीं है, ये एक इक्वालिटी की घोषणा होगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा, ये तीनों प्लैनेट यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये 2 साल के अंदर जिस तरह से राशि को बदल रहे हैं, ये पूरी इस क्रांति के सूचक होंगे और ये पूरा का पूरा सीन चेंज होगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो थे आचार्य अमित जैन जी, जिन्होंने हमें हिंदू राष्ट्र के बारे में कि हिंदू राष्ट्र बन पाएगा या नहीं इसके बारे में जानकारी दी। आगे भी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ज्योतिष से राजनीति की ओर। नमस्कार।